मोलंग पांच से जुड़े लोगों का वक्त क्या कहता है? क्या सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं मोलंग पांच से जुड़े लोग? रिश्तों को कितनी पारदर्शिता के साथ निभाते हैं मोलंग पांच से जुड़े लोग? कितने भाग्यशाली होते हैं मोलंग पांच से जुड़े लोग? 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का भविष्य क्या कहता है? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मोलांग की और मोलांग चार तक के बारे में। अभी तक हमने आपको जानकारी दी थी, आज चर्चा करेंगे मोलांग पांच वालों का स्वभाव कैसा होता है, उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं और क्या कुछ खासियत होती हैं, उनके लिए आने वाले वर्ष कौन से ज़्यादा शानदार रहने वाले हैं, कौन से प्रोफेशन उनके लिए अच्छे रहते हैं, कौन से दिन उनके लिए भाग्यशाली हैं, कौन से अंक उनके लिए शुभ हैं और कौन से नंबर्स उनके लिए बड़े भाग्यशाली रहते हैं, किन लोगों से उनको सावधान रहना चाहिए, क्या कुछ उनको लाइफ में नहीं करना चाहिए जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मोलांग के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके पहले आपको ये बता रहे हैं आखिर मोलांग पाँच आपका है ये कैसे आप तय करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मोलांग पाँच अगर आपका है तो कैसे आपको पता चलेगा? देखिए, किसी भी माह की 5 तारीख को जो व्यक्ति पैदा होता है, 14 तारीख को कोई पैदा होता है या 23 तारीख को कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उनका मोलांग पाँच बनता है। और पाँच मोलांग के स्वामी जो बुध होते हैं, और बुध जो ग्रह है कोई भी काम बहुत तेज़ी से करने वाले होते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका मूलांक या भाग्यांक जो है वो क्या है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मूलांक के हिसाब से, और यही कैलकुलेशन आपका भाग्यांक से भी काउंट होगी। अब दर्शकों ये भी जानना चाहेंगे भाग्यांक कैसे जान सकते हैं आपका। देखिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है यानी कि डेट हो गई है, सपोज़ आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 5 जनवरी को और 1980 को हुआ है, तो 5/1 जनवरी यानी और 1980 इसको पूरा टोटल कर दीजिए। इन पूरा टोटल करने के बाद जो संख्या आती है उसको जोड़ लीजिए और उसका जो योग आता है वो आपका भाग्यांक कहलाता है, और जिस तारीख को आपका जन्म होता है वो आपका मूलांक कहलाता है। मूलांक और भाग्यांक का फल सेम ही मिलता है। अगर मूलांक और भाग्यांक मित्र हो जाएं तो बहुत अच्छे रहते हैं, मूलांक और भाग्यांक एक हो तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर कहीं मूलांक और भाग्यांक शत्रु हो जाएं तो लाइफ में बड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और उसके उपाय करने चाहिए जिससे लाभ मिलते हैं। तो आज चर्चा हो रही है मूलांक की। जिन व्यक्तियों का भाग्यांक 5 है, ये जो मेरा बताया गया आज ये उपाय हैं या मेरे बताए गए जो विशेषताएं हैं मूलांक 5 के बारे में, वो भाग्यांक 5 के ऊपर भी लागू होगी। तो भाग्यांक 5 वाले भी इसको जरूर देखें। दर्शकों, बताते हैं आपको मूलांक 5 वालों की विशेषताएं क्या होती हैं या खासियत क्या होती है। देखिए, मूलांक 5 वाले बुध से प्रभावित होते हैं, बहुत जल्दी अपने कार्य को करना पसंद करते हैं, बहुत अच्छे मित्र कहलाए जाते हैं, बहुत आकर्षण इनके अंदर होता है। और मूलांक 5 वालों के अंदर हमने ये चीज़ देखी है, हमारी रिसर्च भी रही है, इतनी कुंडली हम देखते हैं उसके आधार पर कि मूलांक 5 वाले बहुत जल्दी लाइफ में सफल होते हैं, इनका खुश मिजाज हमेशा रहते हैं, जोली नेचर इनका होता है, मित्र बहुत बनाते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं मूलांक 5 वाले, लेकिन थोड़ा सा ज़िद्दी देखे गए हैं, अपनी ज़िद पूरी करवाते हैं और थोड़ा सा मूड इनका नेचर भी होता है, किसी भी काम को बहुत तेज़ी से करते हैं। अगर लिखेंगे तो तेज़ी से लिखना शुरू करते हैं, फटाफट लिख देते हैं। खाना खाते हैं तो जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, अगर चलते हैं तो तेज़ चलते हैं, किसी भी काम को जल्दी करेंगे क्योंकि बुध का प्रभाव इनके ऊपर रहता है और हर कार्य को तुरंत करना इनकी एक खासियत होती है, यानी कि लापरवाही बिल्कुल नहीं करते हैं, आलस्य बिल्कुल इनका अंदर नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली देखे गए हैं, बहुत ही कार्य इनके लाइफ में बहुत जल्दी बन जाते हैं, बड़े सफल होते हैं ये ज़िंदगी में अपनी, और हमेशा तथ्यों पर चलते हैं, लॉजिकल देखे गए हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है भाग्यांक या मूलांक 5 वालों की। और इनमें क्या ऐसी खासियत है जो कि इनको बहुत बढ़िया इंसान बनाती है? देखिए, इनका व्यवहार कुशल है, ये इनको पता है किस तरीके से बोलना है, किससे कैसे बात करनी है, कैसे किससे मित्रता निभानी है, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे छोटों का दिल जीतना है, छोटों को प्यार करना है और कैसे मित्रों का आदर करना है, ये सब खूबियाँ मूलांक 5 वालों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त है। यानी कि ये उन मूलांकों में से एक है जो कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है दर्शकों।
और इसके अलावा मूलांक पांच वालों की क्या खासियत है? देखिए, मूलांक पांच वालों की एक खासियत ये है कि अपने काम निकलवाने में बड़े माहिर होते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आपका कोई मित्र मूलांक पांच का है, तो उसको आप साथ ले जाइए, देखिए वो कैसे आपके सारे कार्य बनवा देगा, किस व्यक्ति से किस तरह से अपना काम करवाना है, ये इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है और ये सभी तरह की नीति अपनाकर अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। ये इनकी खासियत होती है बहुत बड़ी, बहुत सोचते हैं ये और कभी कभी ज़्यादा तनाव भी लेते हैं, इस चीज़ से इनको बचना चाहिए। तो दर्शकों, अब बता देते हैं कि मूलांक पांच वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। देखिए, मूलांक पांच वालों का वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार रहता है। बुध के प्रभाव की वजह से इनको बहुत अच्छे जीवन साथी मिलते हैं, वैवाहिक जीवन में कोई कमी नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती, जीवन साथी की बहुत कदर करते हैं, उनको हमेशा खुश करके रखते हैं, उनकी भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मूलांक पांच वालों की। और अब बताते हैं मूलांक पांच वालों के लिए कौन से नंबर बहुत शुभ रहते हैं। देखिए, मूलांक पांच वालों के लिए एक नंबर बहुत ज़्यादा शुभ देखा गया है और तीन नंबर इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ देखा गया है और सात नंबर इनके लिए शुभ है। ये तीन मूलांक में अगर ये विवाह करते हैं या भाग्यांक में, तो देखिए आपकी मित्रता भी बहुत अच्छी चलेगी, आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा चलेगा और किसी तरह की कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आने वाली है। एक लग्जरियस लाइफ जीने की ये चाह रखते हैं, बहुत ऊंचाइयां लाइफ में छूना चाहते हैं, ये इनकी खासियत होती है। अब जानते हैं इनके लिए कौन से महीने बहुत ही शुभ रहते हैं। देखिए, इनके लिए जनवरी का महीना बहुत शुभ रहता है, मई का महीना और जुलाई का महीना जो वर्तमान में चल रहा है, ये भी इनके लिए बहुत शुभ रहता है। और बात करें अगर आने वाले इसके अलावा और महीने कौन से इनके लिए अच्छे रहते हैं, देखिए इनके लिए अगर हम बात करें तो नवंबर अक्टूबर का महीना भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये कुछ ऐसे महीने हैं ये इनके लिए बड़े ज़बरदस्त रहते हैं और इस महीने में अगर ये कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। और वो कौन सी तारीखें हैं जो इनके लिए बहुत शुभ रहती हैं, जैसे कि 5 तारीख इनके लिए बहुत शुभ रहती है, 14 तारीख या 23 तारीख या इनसे इस न्यूमेरिक संख्या से जुड़े हुए योग में अगर ये कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे अपनी कार खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, तो उसका टोटल ये होना चाहिए, 5 होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है। गाड़ी का नंबर अगर 23 हो टोटल तो भी बहुत अच्छा रहेगा, संख्या टोटल कुल मिलाकर 5 आनी चाहिए तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है और इनके जीवन में खुशियां बरकरार रहती है। अब बताते हैं इनके लिए वो कौन से लकी डेज हैं जो उनके लिए बहुत ही शानदार रहते हैं। देखिए, आपके लिए रविवार का दिन बहुत अच्छा है, आपके लिए बुधवार का दिन बहुत ही भाग्यशाली माना गया है और आपके लिए शनिवार का दिन बहुत अच्छा है। ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, इस दिन आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। अब आपके लिए लकी कलर्स कौन से हैं, देखिए आपके लिए हरा रंग बहुत ही शुभ है, आपके लिए अगर मैरून कलर देखें तो बहुत ही शुभ है, सफ़ेद रंग आपको बहुत भाता है, इस रंग में आपके बहुत अच्छे रहेंगे ये रंग आपके लिए, इन रंगों का अगर इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलता है। हल्का पीला रंग भी आपके लिए बहुत ही शुभ देखा गया है। अब बताते हैं आपके लिए प्रोफेशन कौन से बढ़िया हैं। देखिए, मूलांक पांच वालों के लिए जो प्रोफेशन हमने देखा है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे वकील होते हैं, बहुत अच्छे जज होते हैं, वाणी से संबंधित कोई भी कार्य होता है ये इनके लिए लाजवाब रहता है, बहुत अच्छे एंकर, बहुत अच्छे रिपोर्टर होते हैं मीडिया फील्ड में, क्रिएटिव डायरेक्टर, क्रिएटिव राइटर बहुत अच्छे देखे गए हैं ये, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, रिपोर्टर भी होते हैं जैसे मैंने बोला है, और ऐसे व्यक्ति डॉक्टर्स भी देखे गए हैं, यानी कि डॉक्टर प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार हैं, जिसको सलाह देंगे उसकी किस्मत आप चमका देंगे, बहुत अच्छे व्यापारी, बहुत अच्छे सेल्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं, और अगर एजेंट का काम करें, कमीशन एजेंट का काम करें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहता है। एचआर फील्ड में बड़ा नाम कमाते हैं, एज ए मैनेजर ये बहुत अच्छा अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। तो ये कुछ इनकी खासियत होती है। अब आते हैं फटाफट से कि मूलांक पांच वालों के अंदर क्या कमियां रहती हैं, इनको किस चीज़ से बचना चाहिए। देखिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस चीज़ से बचना चाहिए, बहुत तनाव ले लेते हैं, बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों को लेकर ज़िद्दी हो जाते हैं, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए, ना आपका नकारात्मक पॉइंट है। हंसी मजाक बहुत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आप ये भूल जाते हैं मौका परिस्थिति कैसी होती है, किस तरह की मजाक कहाँ करनी चाहिए या कब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ को आपको देखना चाहिए, अन्यथा आपके रिलेशन जो है ख़राब होते हैं या आपका उपहास उड़ सकता है या आपको नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है या अपमानजनक परिस्थितियां हो सकती है। इस चीज से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मूलांक पांच वालों को मूडी नेचर से भी बचना चाहिए, कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं,
इनको गले छाती कफ कोल्ड के रोग ज़्यादा परेशान करते हैं, और थोड़ा सा बहुत ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत ठंडी कोई भी चीज़ होगी वो खानी आपके लिए एकदम से नुकसानदेह हो सकती है, आपकी सेहत ख़राब रह सकती है, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तो दर्शकों, मूलांक पाँच से जुड़ी ये जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। अब आपको कौन से ग्रह की पूजा करनी चाहिए, कौन सी पूजा आपको करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगी? देखिए, आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए, गणपति जी का आपको सिंदूर चढ़ाना चाहिए तो विशेष लाभ मिलता है। आपको बुध के मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम बुद्धाय नमः, 108 बार आप डेली करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से आपके आसपास होना चाहिए, हरी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, ये हरी वस्तुओं का दान करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। गाय को चारा खिलाने से भी आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति बनती है। और अंत में आने वाले वर्ष आपके लिए कौन से रहने वाले हैं, देखिए जो सितारों के हिसाब से दिख रहा है 2021 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अगर 2000 हम बात करें 26 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और 2030 ये आने वाले 10 वर्षों में ये 3 वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। बड़ी तरक्की आप करेंगे, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। इन वर्षों में आपके शुभ कार्य होंगे, आपका विवाह, अगर आपकी परीक्षा है तो उसमें अच्छी सफलता मिलेगी, आपका प्रमोशन, ये कुछ वर्ष हैं इन वर्षों में आपको मिलने वाला है। तो दर्शकों, आज आपको जानकारी दी मूलांक पाँच के बारे में। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर। तो आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।